दोस्तों उल्कापिंड को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उल्कापिंड को लेकर एक बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है कि नासा ने 4 मई को आने वाले उल्कापिंड को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है। 4 मई को 2021 AF8 नाम का उल्कापिंड हमारी धरती के बेहद करीब से होकर गुजरने वाला है, या फिर यूं कहे को ये उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जा सकता है। ऐसे में नासा की तरफ से अपडेट आई है कि यह उल्कापिंड की गति में और इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। नासा की अपडेट के मुताबिक इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है और यह धरती की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा है। अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो यह हमारी धरती से टकरा सकता है, क्योंकि यह हमारी धरती से 34,000 किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला है। इसी तरह इस उल्कापिंड का झुकाव हमारी धरती की तरफ बढ़ता रहा तो 34,000 का फासला और कम हो सकता है। और दोस्तों आपको बता दें, धरती से इस एस्टेरॉयड की दूरी जितनी कम होगी उतना ही धरती पर गिरने का खतरा बढ़ता रहेगा। इसी वजह से वैज्ञानिक परेशान है, क्योंकि यह उल्कापिंड 4 मई को हमारी धरती की सेफ्टी लाइन को क्रॉस करके हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा, और इसी तरह दूरी कम होती रही तो हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को निश्चित ही अपनी ओर आकर्षित करेगा। और दोस्तों आपको बता दें, इसरो ने इस उल्कापिंड को लेकर अपडेट दिया है कि अगर यह उल्कापिंड हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश किया और हमारी धरती पर गिरा तो इसके गिरने के चांसेस म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में हैं। इसरो चीफ ने इस उल्कापिंड को लेकर कहा है कि 4 मई को हमारी धरती की कक्षा में एक उल्कापिंड प्रवेश कर सकता है। यह उल्कापिंड 2021 AF8 है, और यह उल्कापिंड अगर हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश किया तो यह उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा सकता है, और अगर यह हमारी धरती पर गिरेगा तो म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में गिरने के चांसेस है। दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों ने उस उल्कापिंड की तुलना बड़े फुटबॉल मैदान से की है, यानी कि ये उल्कापिंड 500 मीटर से बड़ा है और 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। और यही तो वजह है कि हमारे वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड से डरे हुए हैं, क्योंकि ये रफ्तार और इसका आकार देखते हुए अगर ये हमारी धरती पर टकराया धरती पर भारी तबाही मचा सकता है। ये उल्कापिंड इसरो के मुताबिक म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में गिरेगा, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा है कि इसके गिरने से भूकंप के झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जा सकते हैं और पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। दोस्तों एक उल्कापिंड में कितनी शक्ति होती है और यह कितना तबाही मचा सकता है, ये इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि आज से 6 करोड़ साल पहले धरती पर जीवन फल फूल रहा था, लेकिन एक बड़े एस्टेरॉयड के टकराव से संपूर्ण जीवन नष्ट हो गया। पूरी धरती पर से 95% जीवन जलकर नष्ट हो गया। एक बड़े आकार का उल्कापिंड फिलहाल में मौजूद वर्तमान में मौजूद मेक्सिको की खाड़ी में गिरा था, जिसका व्यास 11 किलोमीटर था और 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती पर हिट किया था। उस वजह से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी कि पूरी धरती पर भूकंप और आग की लपटे और आंधी फैल चुकी थी, और इतनी गर्मी हो गई थी, धरती का तापमान इतना बढ़ गया कि सब कुछ जलकर राख हो गया और धरती पर दोबारा जीवन पनपने में करोड़ों साल का समय लगा। तो दोस्तों आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि आखिर एक बड़े आकार का उल्कापिंड हमारी धरती पर कितनी तबाही मचा सकता है। और 4 मई को आने वाला उल्कापिंड का भी आकार 500 मीटर बड़ा है, यानी कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड है, और ये जहां पर गिरेगा, जिस देश पर गिरेगा, उस देश को तो तबाह करेगा ही, लेकिन आधी से ज्यादा पृथ्वी पर बसने वाले सभी देशों को इस एस्टेरॉयड से नुकसान हो सकता है। यह उल्कापिंड अगर हमारी धरती से टकराता है तो 7% तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं पूरी दुनिया में, और बड़ी बड़ी इमारतों को झिझोड़ के रख देगा। दोस्तों आप देख सकते हैं 2021 AF8 उल्कापिंड किस तरह से हमारी धरती के करीब आ रहा है। इसका फासला प्रति सेकंड कितना कम हो रहा है, 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह हमारी धरती के बेहद नजदीक आ रहा है। दोस्तों ये सफेद लाइन इस एस्टेरॉयड का ऑर्बिट पीरियड है, और ये ब्लू लाइन आप देख पा रहे हो ये हमारी धरती का ऑर्बिट पीरियड है, और ये 4 मई को आपस में क्रॉस करने वाले हैं, और इसी दौरान ये घटना घट सकती है कि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को कहीं अपने ओर आकर्षित ना कर ले। इसी वजह से वैज्ञानिक डरे हुए हैं कि कहीं ये हमारी धरती का ग्रेविटी फोर्स में ये एस्टेरॉयड फंस ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये निश्चित ही हमारी धरती पर गिरेगा, और इसे लेकर इसरो ने कहा कि अगर ये हमारी ग्रेविटी फील्ड में फंसा और धरती पर गिरा तो इसके गिरने के चांसेस म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में गिर सकता है। नासा और इसरो जैसी बड़ी स्पेस एजेंसियों के ऐसे अपडेट से म्यांमार की गवर्नमेंट पूरी तरह से डरी हुई है, और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों से रिक्वेस्ट कर रही है कि इस एस्टेरॉयड को किसी तरह रोका जाए, हवा में ही ब्लास्ट किया जाए, लेकिन फिलहाल में किसी भी स्पेस एजेंसी के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी
उपस्थित नहीं है। वर्तमान में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है कि किसी भी एस्ट्रॉइड को अपनी ओर आकर्षित करने वाले किसी भी एस्ट्रॉइड को हवा में ही ब्लास्ट कर दिया जाए या फिर उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया जाए। लेकिन नासा एक ऐसे मिशन पर काम कर रही है जो धरती की तरफ आने वाले किसी भी एस्ट्रॉइड को हवा में ही ब्लास्ट कर दिया जाए या फिर उसको उसके रास्ते को परिवर्तित कर दिया जाए, इसकी गति में परिवर्तन कर दिया जाए। दोस्तों, ये एस्ट्रॉइड का नाम है डार्ट मिशन और ये 2029 तक बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि 2029 में द एपोफिस नाम का एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकराने वाला है। 13 अप्रैल 2029 को एपोफिस एस्ट्रॉइड हमारी धरती से टकरा सकता है, जिसके टकराने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, और उसी एस्ट्रॉइड के लिए नासा ने डार्ट मिशन चलाया हुआ है। दोस्तों, नासा का डार्ट मिशन पर हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ, जिसे अगर आप देखना चाहो तो एंड स्क्रीन या फिर आई बटन में जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि 2021 AF8 का नाम का यह एलुका पिंड कितनी रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। ये दोस्तों, ये दूरी 4 मई को हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा और 4 मई को यह उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा सकता है। जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब यह उल्कापिंड तेज धमाका करेगा हमारी धरती पर और पलक झपकते ही करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करता है उल्कापिंड, तो उसका आकार 25 मीटर से बड़ा होता है तभी हमारी धरती को नुकसान हो सकता है। अगर 25 मीटर से छोटा उल्कापिंड हमारी धरती की कक्षा में प्रवेश करता है तो हमारे वायुमंडल के घर्षण से ही हवा में जलकर नष्ट हो जाता है। धरती तक आते आते वायुमंडल के घर्षण से इतना गर्म हो जाता है कि वह आग के गोले में परिवर्तित हो जाता है और धरती तक पहुंचने से पहले ही हवा में जलकर बिखर जाता है और टूटकर बिखर जाता है। और अगर हमारी धरती पर टकराता है फिर भी उसका आकार जलकर इतना छोटा हो जाता है कि उससे हमारी धरती को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन 4 मई को आने वाला उल्कापिंड का आकार 500 मीटर है। दोस्तों, 25 मीटर से कई गुना ज्यादा है, इसी वजह से वैज्ञानिक इस एस्ट्रॉइड से डरे हुए हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में कल्पना की है कि अगर 4 मई को यह उल्कापिंड हमारी धरती से टकरा जाएगा तो क्या होगा, कितनी तबाही होगा, और एक उल्कापिंड हमारी धरती पर टकराए तो कितनी तबाही मचा सकता है। लेकिन फिलहाल में ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि नासा ने इस एस्ट्रॉइड को लेकर अभी तक कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया है। इसरो ने सिर्फ ये कहा है कि अगर ये उल्कापिंड गिरा तो म्यांमार में के पहाड़ी इलाकों में गिर सकता है, लेकिन इसके गिरने को लेकर कोई भी अपडेट जारी नहीं हुई है। अगर ये उल्कापिंड धरती पर गिरने वाला होता और वाकई में इससे खतरा होता तो अभी तक स्पेस एजेंसियां इसे लेकर अपडेट जारी कर देती और अलर्ट जारी कर देती और जिस जगह पर गिरने वाला होता उसे ताबड़तोड़ खाली करवा देती। लेकिन फिलहाल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, नासा का सेंट्री सिस्टम धरती की तरफ आने वाले किसी भी खतरे पर अपनी कड़ी नज़र बनाए रखता है और अगर कोई उल्कापिंड से धरती को ज़्यादा खतरा होता है तो वो तुरंत अलर्ट जारी कर देती है और उस इलाके को खाली करवा देती है जहां वह उल्कापिंड गिरने वाला होता है। लेकिन 4 मई को आने वाले एस्ट्रॉइड के बारे में सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि 4 मई हमारी धरती का आखिरी दिन हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है कि ये उल्कापिंड 4 मई को हमारी धरती से टकरा जाएगा, क्योंकि नासा और स्पेस एजेंसियां, बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां इस एस्ट्रॉइड को लेकर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है और कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया। इसलिए आपको इस एस्ट्रॉइड से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, अंतरिक्ष और धरती की तरफ आने वाले खतरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।